तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए 16 मार्च शुभ तारीख रहेगी, विजय सूचक रहेगी। जबकि 18 और 19 ऐसी तारीख हैं जिस समय पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर हम बात करें मास आरंभ में ग्रहों की स्थिति की, तो केतु तुला राशि के होकर लग्न भाव में है, सूर्य बुध शनि कुंभ राशि के होकर पंचम भाव में स्थित है, बृहस्पति और शुक्र मीन राशि के अष्टम भाव में है, राहु मेष राशि का होकर सप्तम भाव में विराजमान, मंगल वृषभ राशि के होकर अष्टम भाव में है, चंद्रमा मिथुन राशि के होकर नवम भाव में चलायमान। 16 व 17 की दोपहर तक समय सही है, आप पर लोग पूरा पूरा विश्वास करेंगे, आपकी काम पर पूरी तरह पकड़ रहेगी, आप अत्यधिक मात्रा में लाभ के हकदार होंगे। 17 की दोपहर से 19 के मध्य समय विपरीत फलकारी रहेगा, आप अपने व्यवहार या काम में कुछ गलतियां कर बैठेंगे, पर बेहतर होगा कि आप अपनी गलतियां दोबारा ना दोहराएं और सावधान रहें। यह एक बहुमूल्य अनुभव होगा जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। प्रेम संबंधों में खटपट रहेगी, आपको अपने मित्र या प्रियजन के द्वारा कोई गलत शिक्षा मिलेगी, गलत सलाह मिलेगी। 20 और 21 को परीक्षार्थी मनोकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। जो व्यक्ति किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरव्यू में सक्सेस मिलेगी, सक्सेसफुल रहेंगे। आप किसी शादी समारोह में व्यस्त रह सकते हैं। जो व्यक्ति व्यवसाय में है उन्हें व्यवसाय में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। आप खुद को सही राह पर रखेंगे, साथ ही अपने करीबियों को भी सही रास्ता दिखाएंगे। बृहस्पति स्वयं की राशि में परिभ्रमण कर रहे हैं, आप में ज्ञान की वृद्धि होगी। 22 और 23 को आप स्वयं के आराम के लिए भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, बदले में मौसम का लुत्फ भी उठाएंगे। आप जन्मदिन पर सुपात्र व्यक्ति को अगर रंगदार कंबल का दान करते हैं और आपका जन्मदिन अगर निकल गया है तो भी आप यह रंगदार कंबल एक सुपात्र व्यक्ति को दान करें तो आपके लिए अत्यधिक शुभ होगा।